अस्सलाम वालेकुम क्लास। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से ये पूछूंगी कि आप लोगों ने अभी तक जो एंजाइम्स का लेक्चर मैंने अपलोड किया था, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? ओके, आई गेस किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि कोई बोल नहीं रहा। आई एम सॉरी कि मैं इतने दिनों तक कोई लेक्चर अपलोड नहीं कर सकी, कुछ हेल्थ इश्यूज की वजह से मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। एनी हाउ अभी इस लेक्चर को जूम पे कंडक्ट करने का मकसद यही है कि इतने दिनों से जो एक गैप आ गया था उसकी वजह से अगर आपको चीज़ें समझने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो हम उन चीज़ों को ओवरकम कर सकें, और अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप राइट अवे उसके बारे में क्वेश्चन कर सकें। ठीक है, तो I would like Hello, can you hear me? बाकी अगर कोई relevant question करना चाह रहा है तो वो ठीक है, otherwise please अपना mic off रखें। ठीक है, okay. तो सबसे पहले थोड़ा सा एक हम एंजाइम्स के बारे में रिविजन कर लेते हैं कि एंजाइम्स होते क्या हैं। एंजाइम्स बेसिकली प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं जो बॉडी में डिफरेंट फंक्शन की, डिफरेंट एक्टिविटीज की रेगुलेशन के लिए यूज हो रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा, इस एंजाइम्स के हवाले से सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या होती है कि एंजाइम हमेशा किसी न किसी मॉलिक्यूल के साथ कम्बाइन होते हैं जिसको हम सबस्ट्रेट कहते हैं। जब एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ कंबाइन होता है तो वे एक टेम्पररी कॉम्प्लेक्स बनाता है, जिसे हम इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स का नाम भी दे सकते हैं, विच इज द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनने के बाद क्या होता है कि सबस्ट्रेट एंजाइम में कोई चेंज इंड्यूस करता है, उसके अंदर कोई कन्फर्मेशन चेंज आता है जिसकी वजह से इवेंचुअली एंजाइम और प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन बनता है। ठीक है, तो इन दी एंड हमारे पास क्या होता है, अगर आप इस इक्वेशन को देखें कि एंजाइम एज इटसेल्फ अपनी जगह पर है, सिर्फ एक सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल आया जिसने आके एंजाइम को चेंज किया, उसके साथ वो बाइंड हुआ, और इन दी एंड एंजाइम हमारे पास एज इट सेल्फ वापस आ गया और हमारे पास सबस्ट्रेट की जगह पे क्या आ गया, प्रोडक्ट आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें इस इक्वेशन को तो यहाँ पे आपके पास तीन तरह के रिएक्शन हो रहे हैं जिसमें एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में कम्बाइन होकर एंजाइम सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, या एंजाइम सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स विदाउट एनी चेंज ब्रेक डाउन हो रहा है इन एंजाइम एंड इनटू सबस्ट्रेट, या एंजाइम की वजह से सबस्ट्रेट में चेंजेस आ रहे हैं एंड दैट सबस्ट्रेट इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास बेसिकली तीन तरह के रिएक्शंस हो रहे हैं, और जब रिएक्शन आपके पास तीन तरह के हैं तो रेट कांस्टेंट भी आपके पास तीन तरह के होंगे। एंजाइम सबस्ट्रेट, अगर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स में चेंज हो रहे हैं दैट इज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय द K1 रेट कांस्टेंट, और अगर ये विदाउट एनी चेंज ब्रेक डाउन हो रहा है तो इस रेट कांस्टेंट को K-1 से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर सबस्ट्रेट और एंजाइम का जो कॉम्प्लेक्स है इफ इट इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं K2 से। ठीक है, यहाँ पे ये सारे पैरामीटर्स आई होप आपको क्लियर हैं कि S जो है वो आपका सबस्ट्रेट है, E इज एंजाइम, E इज एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, P इज द प्रोडक्ट, K1, K-1 एंड K2 आर रेट कॉन्स्टेंट। ठीक, किस रेट से आपका रिएक्शन जो है वो प्रोसेस हो रहा है, हमें पता है कि एंजाइम्स का काम क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज या डिक्रीज करना। एंजाइम्स क्या होते हैं, बायो कैटलिस्ट होते हैं। कैटलिस्ट का काम यही होता है कि वो किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन को अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट उसके रेट को इंक्रीज करेगा या फिर डिक्रीज करेगा। इज दैट राइट? ओके, अब एंजाइम और सबस्ट्रेट का जो कॉम्प्लेक्स है इसकी बाइंडिंग के हमारे पास दो मॉडल्स होते हैं। यहाँ पे आप ये देखें, ये डायग्राम मैं आपको दिखा रही हूँ, दो तरह के मॉडल्स इसके अंदर पॉसिबल है। एक मॉडल को हम कहते हैं लॉक इन की मॉडल, द अदर वन इज इंड्यूस फिट मॉडल। लॉक इन की मॉडल बहुत सिंपल, जैसे आपको इसके नाम से ही पता चल रहा है कि एक स्पेसिफिक तरह का लॉक है, दैट लॉक कैन ओनली बी ओपन बाय अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ की। ऐसा ही होता है ना कि हमारे पास जो लॉक्स होते हैं उनकी स्पेसिफिक कीज होती हैं, उसके अलावा वो किसी की से ओपन नहीं होते। वी टॉक अबाउट एंजाइम, तो हमें पता है कि एंजाइम आर हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। अब एंजाइम अगर हाईली स्पेसिफिक है तो लॉक एंड की मॉडल शुड बी इनफ फॉर एंजाइम इन सबस्ट्रेट बाइंडिंग, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता। एंजाइम स्पेसिफिक तो होते हैं बट इट इज पॉसिबल टू मैनिपुलेट एंजाइम।
अगर हम एक एंजाइम एक पर्टिकुलर तरह के सबस्ट्रेट के साथ बाइंड होता है, उस सबस्ट्रेट के अंदर हम माइनर चेंजेस अगर कर दें, स्टिल दैट एंजाइम विल बाइंड विद द सबस्ट्रेट. तो ऐसा किस तरह से पॉसिबल होता है? क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखें कि अगर ये खास तरह का सबस्ट्रेट है और यहाँ पे एक फिक्स रिजिड स्ट्रक्चर है एंजाइम का, ओनली देन इट कैन कम्बाइन. ठीक है, अगर जरा सा भी स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है तो आप एंजाइम को बाइंड नहीं कर सकते. बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता, स्लाइट चेंजेस के बावजूद एंजाइम और सबस्ट्रेट की बाइंडिंग होती है. तो उसके लिए जो लॉक एंड की मॉडल है इसको हम इतना ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं करते. द अदर वन इज इंड्यूस्ड फिट मॉडल. इंड्यूस्ड फिट मॉडल में आप यहाँ पे देखें कि सबस्ट्रेट की और एंजाइम की जो शेप है दैट इज डिफरेंट, स्टिल वो बाइंड हो रहा है और एंजाइम अपने आप को उसके हिसाब से एडजस्ट कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जैसे कोई बबल, आपके पास बबल चेयर्स होती हैं, उसके ऊपर अगर आप कोई बैठे तो वो उस पर्सन की बॉडी के अकॉर्डिंगली अपने आप को एडजस्ट कर लेती है. ठीक है, दैट इज द इंड्यूस्ड फिट मॉडल. और अगर उस जो आपकी जो चेयर है या जो आपका बेड है उसका स्ट्रक्चर रिजिड है तो वो उसके किसी की भी बॉडी के हिसाब से उसको एडजस्ट नहीं करता. ठीक है, तो इंड्यूस्ड फिट मॉडल में बेसिकली क्या हो रहा है कि इंड्यूस्ड फिट मॉडल में जैसा सबस्ट्रेट आ रहा है एंजाइम अपने आप को मॉडिफाई करके उसी के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर रहा है. ठीक है, अच्छा, इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि कोई सा भी मॉलिक्यूल आ जाएगा तो एंजाइम्स के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेगा. ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है एंजाइम में ये लिमिटेड है कि एंजाइम थोड़ी बहुत अपनी शेप चेंज कर सकता है. ऐसा नहीं हो सकता कि बिल्कुल ही कोई ऐसा सबस्ट्रेट आ जाए जिसका एंजाइम के साथ कोई लिंक ना हो और वो फिर भी उसके हिसाब से अपने शेप को मॉडिफाई कर ले. ठीक है, तो एंजाइम्स, आपको अगर याद होगा प्रोटीन में मैंने आपको बताया था कि प्रोटीन के जो 3D स्ट्रक्चर्स हैं दैट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट, क्योंकि 3D स्ट्रक्चर की वजह से ही बाइंडिंग की पॉसिबिलिटीज होती है. ठीक है, तो एंजाइम भी 3D स्ट्रक्चर को अपने ट्विस्ट करके या बैंड करके थोड़ा बहुत चेंजेस उसके अंदर लेकर आएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि वो अपने स्ट्रक्चर को कम्प्लीटली चेंज कर दे. ठीक है, जहाँ तक उसकी बाइंडिंग उसको अलाउ करेगी, जहाँ तक उसके जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, जिसकी वैंडरवाल फोर्सेस हैं, वो उसको अलाउ करेंगी, उस हद तक तो एंजाइम अपने आप को फ्लेक्सिबिलिटी शो करेगा, अदरवाइज वो उस सब्सट्रेट के साथ बाइंड नहीं होगा. ठीक है, सो बेसिकली वी हैव टू मॉडल्स फॉर सब्सट्रेट एंड एंजाइम बाइंडिंग. इन दोनों मॉडल्स को अगर आप देखें तो इसमें आपके पास कुछ डिफरेंसेस हैं. ये जो एक्टिव लॉक एंड की मॉडल है उसमें जो आपकी एक्टिव साइट होती है एंजाइम की दैट इज रिजिड, फिक्स शेप होती है उसकी, उसकी शेप चेंज नहीं होती. ठीक है, इस फिक्स शेप की वजह से जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन होती है. एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन मैं आपको अभी फर्दर और डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन अभी के लिए आप सिर्फ इतना समझ लें कि एंजाइम के अंदर ये पावर होती है कि अगर उसके साथ एक एक्टिवेटर मॉडल आके अटैच हो रहा है तो एक्टिवेटर मॉलिक्यूल जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएगा, और अगर उसके साथ एक इनहिबिटर मॉलिक्यूल आके अटैच हो रहा है तो दैट विल रिड्यूस द रेट ऑफ रिएक्शन. ठीक है, तो एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन बेसिकली यही होती है कि एक्टिवेटर और इनहिबिटर दोनों तरह के मॉलिक्यूल आके एंजाइम के साथ बाइंड हो सकते हैं और अकॉर्डिंगली रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज या डिक्रीज होगा. ठीक है, लॉक एंड की मॉडल डज नॉट एक्सप्लेन दिस फिनोमेना बिकॉज कि अगर एक्टिवेटर मॉलिक्यूल और इनहिबिटर मॉलिक्यूल दोनों की शेप एक जैसी है तो वो अलग अलग चेंजेस कैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं, और अगर उनकी शेप डिफरेंट है तो वो रिजिड शेप रिजिड एक्टिव साइट में आके अटैच किस तरह से हो रहे हैं. सो लॉक एंड की मॉडल डज नॉट एक्सप्लेन एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन. ठीक है, इंड्यूस्ड फिट मॉडल आपको क्या कहते हैं? इंड्यूस्ड फिट मॉडल इसको आप कॉशलैंड मॉडल भी कहते हैं, दैट इज द नेम ऑफ अ साइंटिस्ट. और इसमें बेसिकली क्या हो रहा है कि सबस्ट्रेट जब बाइंड हो रहा है दैट इज कॉजिंग कन्फॉर्मेशनल चेंजेस. कन्फॉर्मेशनल चेंजेस आप किस तरह के चेंजेस को कहते हैं? जो शेप में चेंजेस होते हैं केमिकल स्ट्रक्चर में, ऐसे चेंजेस होते हैं दैट आर रिवर्सिबल. कन्फॉर्मेशनल चेंजेस आर ऑलवेज रिवर्सिबल. आप ये चीज आपको याद रखनी है. ठीक है, ओके, सो ये जो इंड्यूस्ड फिट मॉडल है या कॉशलैंड मॉडल है दैट एक्सप्लेन्स most of the changes that are taking place in the enzyme and substrate binding. Okay.
एंजाइम और सब्सट्रेट की जब हम बाइंडिंग की बात करते हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास इक्वेशन आती है विच इज कॉल्ड एज मिकलिस मेंटन इक्वेशन. मिकलिस मेंटन बेसिकली दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्किंग की और उन्होंने रेट ऑफ रिएक्शन के हवाले से बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया. तो मिकलिस मेंटन इक्वेशन बेसिकली क्या कहती है कि वी नॉट इज इक्वल टू वी मैक्स मल्टीप्लाई बाय सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन डिवाइड बाय के एम प्लस कंसेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट. ठीक है, अब ये सारी वैल्यूज क्या है, इनिशियल रिएक्शन वेलोसिटी है जब सबस्ट्रेट और एंजाइम आपस में कंबाइन हो रहे हैं. ठीक है, सबस्ट्रेट और एंजाइम जब आपस में कंबाइन होते हैं और वो मोमेंट जब एंजाइम ने अपना रिएक्शन स्टार्ट नहीं किया होता, दैट इज कॉल्ड द वी नॉट वेलोसिटी, दैट इज द इनिशियल रिएक्शन वेलोसिटी जो एंजाइम के इफेक्ट से पहले आपके पास आ रही है. ठीक है, वी मैक्स क्या है, मैक्सिमम वेलोसिटी है, कोई भी एंजाइम कितना ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा सकता है, दैट इज द मैक्सिमम रिएक्शन वेलोसिटी. और के एम आपके पास क्या है, मिकलिस कॉन्स्टेंट है. मिकलिस कॉन्स्टेंट जो आपके पास तीन रेट कॉन्स्टेंट मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किए थे जो K, K-1, K-1 and K-2 इन तीनों की न्यूमेरिकल वैल्यू को कंबाइन करके आपके पास मिकलिस कॉन्स्टेंट आता है. एंड एस इन स्क्वायर ब्रैकेट्स इज द सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन के सबस्ट्रेट उस वक्त कितनी कंसेंट्रेशन में अवेलेबल है. ठीक है, मिकलिस मेंटन इक्वेशन की हम डेरिवेशन नहीं करेंगे बट इसकी जो अजम्पशंस हैं और जो इसकी कंक्लूजन हैं दोज आर इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू लर्न. ठीक है, सबसे फर्स्ट अजम्पशन आपकी इसमें क्या है मिकलिस मेंटन इक्वेशन की, कि रिलेटिव कंसेंट्रेशन ऑफ ई एंड एस के एंजाइम की कितनी कंसेंट्रेशन होगी और सबस्ट्रेट की कितनी कंसेंट्रेशन होगी. The concentration of substrate is much greater than the concentration of enzyme, so that the percentage of total substrate bound by the enzyme at any one time is small. इसका मतलब क्या है, हमारी बॉडी में जो एंजाइम है दैट इज इन लिमिटेड अमाउंट. ठीक है, सबस्ट्रेट जो है वो हायर अमाउंट में प्रेजेंट हो सकता है. तो जब सबस्ट्रेट हायर अमाउंट में प्रेजेंट हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास 100 ग्राम सबस्ट्रेट मौजूद है पर एंजाइम जस्ट 1 ग्राम मौजूद है, तो एंजाइम जितना अवेलेबल है सब्सट्रेट उतना ही एंजाइम के साथ बाइंड होगा. तो एंजाइम सब्सट्रेट चाहे 200 ग्राम भी हो जाए बट ओनली 1 ग्राम ऑफ द सब्सट्रेट विल कंबाइन विद द एंजाइम, क्योंकि एंजाइम की अवेलेबिलिटी जितनी होगी उतनी ही आप सब्सट्रेट को बाइंड कर सकते हैं ना. सो एट एनी गिवन टाइम जो बाउंड सब्सट्रेट है और जो फ्री सब्सट्रेट है उसकी कंसेंट्रेशन में बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा. सो एट एनी गिवन टाइम percentage of total substrate bound by enzyme will be very small. ठीक है, the second assumption is steady state assumption. steady state assumption का मतलब क्या होता है कि enzyme और substrate की जो concentration है that does not change with time. that is the rate of formation of ES is equal to that of breakdown of ES. अच्छा यहाँ पे आप ये देखें, यहाँ पे आप एंजाइम और सबस्ट्रेट जो है वो ES में भी चेंज हो रहे हैं. ES इज ब्रेकिंग डाउन इनटू ES एंड ES इज आल्सो ब्रेकिंग डाउन इनटू EP. एट एनी गिवन टाइम ये जो ES की कंसेंट्रेशन है ये कांस्टेंट रहेगी. अगर एंजाइम और सबस्ट्रेट का ब्रेकडाउन ज्यादा स्टार्ट हो जाएगा तो यहाँ पे ES की कंसेंट्रेशन डिक्रीज इसलिए नहीं होगी कि यहाँ पे आपके पास फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो रहा है. यहाँ पे फॉरवर्ड रिएक्शन भी चल रहा है आपके पास और बैकवर्ड रिएक्शन भी चल रहा है. ठीक है, so at any given time the concentration of this ES remains constant. ठीक है, third assumption आपकी मिकलिस मेंटन इक्वेशन की क्या है, initial velocity. initial reaction velocity are used in the analysis of enzyme reaction. this means that the rate of reaction is measured as soon as the enzyme and substrate are mixed. ये मैंने भी आपको बताया था कि जो V नॉट आपकी वेलोसिटी है वो एग्जैक्टली उस टाइम की वेलोसिटी है जिस वक्त एंजाइम और सब्सट्रेट आपस में मिक्स हुए हैं. अभी एंजाइम ने अपना इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं किया है, रेट को कैटलाइज नहीं किया है, उससे पहले जो भी रिएक्शन वेलोसिटी है दैट विल बी कॉल्ड एज द इनिशियल वेलोसिटी. ठीक है, अच्छा अब ये तो हमारे पास होगी अजम्पशन जो हम किसी भी मिकलिस मेंटन रेट इक्वेशन के हवाले से अज्यूम कर रहे हैं. अब आपके पास मिकलिस मेंटन काइनेटिक्स की कुछ कंक्लूजन्स भी होती हैं. कंक्लूजन आपको उस पर्टिकुलर रिएक्शन के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे रही होती है. द फर्स्ट इंफॉर्मेशन दैट इट गिव्स इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ के एम.
के एम एक ऐसा कॉन्स्टेंट है जो आपने तीन कॉन्स्टेंट को कंबाइन करके ऑब्टेन किया है, और अगर आप इसको के वन, के माइनस वन और के टू, इन तीनों रेट कॉन्स्टेंट को अलग अलग न्यूमेरिकली डिटरमाइन करना इतना आसान नहीं होता. सो इसके लिए एक मैथमेटिकली साइंटिस्ट ने एक कंक्लूजन ड्रॉ किया है कि जो मैक्सिमम वेलोसिटी होती है, जो किसी भी एंजाइम और सब्सट्रेट की बाइंडिंग के बाद जो आपके रिएक्शन की मैक्सिमम वेलोसिटी है, द हाफ ऑफ दैट वेलोसिटी इज इक्वल टू के एम. ये जो वैल्यू आपको, ये न्यूमेरिकल वैल्यू बताई गई है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के बाद कंक्लूड की गई है. इसकी डिटेल में हम इस वक्त नहीं जा रहे, यू ओनली हैव टू लर्न कि इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है मिकलस मेंटन कॉन्स्टेंट की, दैट इज इक्वल टू द हाफ ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी. ठीक है, अगर वैल्यू ऑफ के एम स्मॉल है, इट रिप्रेजेंट्स अ हाई एफिनिटी, इट मींस के कम सबस्ट्रेट की कंसेंट्रेशन पे भी आपकी जो आपका जो एंजाइम है सबस्ट्रेट की कम कंसेंट्रेशन पे भी बहुत मैक्सिमम वेलोसिटी दे सकता है. और अगर के एम की वैल्यू हाई है, इट मींस कि आपका जो एंजाइम है इट रिक्वायर अ हाई कंसेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट टू रीच द मैक्सिमम वेलोसिटी. ठीक है, सबस्ट्रेट की कंसेंट्रेशन कम हो और स्टिल वेलोसिटी बढ़ जाए, दैट मींस द वैल्यू ऑफ के एम विल बी स्मॉल एंड द एंजाइम हैज हाई एफिनिटी फॉर सबस्ट्रेट. हाई एफिनिटी का मतलब क्या है कि वो बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है उसके अंदर सबस्ट्रेट के लिए और वो फॉरन से उसके साथ कंबाइन हो सकता है. ठीक है, और अगर वैल्यू ऑफ के एम इज लार्ज, इट विल रिफ्लेक्ट अ लो एफिनिटी और उसके लिए बहुत हाई कंसेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट रिक्वायर्ड होगी. ठीक है, द सेकेंड कंक्लूजन इज रिलेशन ऑफ वेलोसिटी टू एंजाइम कंसेंट्रेशन. एंजाइम कंसेंट्रेशन और सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं रेट के लिए. एंजाइम कंसेंट्रेशन बढ़ेगी तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा, एंजाइम कंसेंट्रेशन डिक्रीज होगी तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो जाएगा. व्हाई? क्योंकि सबस्ट्रेट तो आपके पास अबंडेंट क्वांटिटी में ऑलरेडी मौजूद है, सबस्ट्रेट की कंसेंट्रेशन का आपको यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है, सबस्ट्रेट इज हायर इन क्वांटिटी. बट अगर एंजाइम की कंसेंट्रेशन कम या ज्यादा हो रही है, दैट विल डायरेक्टली अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन. ठीक है, अच्छा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बेसिकली आपने शायद इसको किसी और सब्जेक्ट में भी अभी इसको स्टडी किया हो, काफी सारी जगहों पे आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं. अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसी एक चीज पे डिपेंड कर रहा होता है तो आप उसको कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और अगर वो विदाउट एनी डिपेंडेंट मॉइटी, अगर स्पॉन्टेनियसली आपका ऑर्डर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा होता है, तो ऐसे रिएक्शन आपको कहते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन. ठीक है, यहाँ पे आप बात कर रहे हैं सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन की. व्हेन सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन इज लेस देन के एम, तो आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है दैट डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन द कंसेंट्रेशन ऑफ अ सबस्ट्रेट. सबस्ट्रेट अगर कम अवेलेबल है तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन सबस्ट्रेट की कंसेंट्रेशन के हिसाब से कम या ज्यादा होगा, और अगर सबस्ट्रेट आपके पास ज्यादा अवेलेबल है तो आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है दैट विल नॉट डिपेंड ऑन द कंसेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, क्योंकि वो तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा हाई अमाउंट में प्रेजेंट है, उसके कम या ज्यादा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, तो जब सबस्ट्रेट की कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है तो आपका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन है, दैट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन. और सबस्ट्रेट की कंसेंट्रेशन जब बहुत कम हो जाती है, लेस देन के एम हो जाती है, दोस टाइप ऑफ रिएक्शन आर कॉल्ड एज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. ठीक है, मिकलस मेंटन इक्वेशन आपकी यहाँ पे कंप्लीट हो गई है. इसकी आपको मैंने पहले अजम्पशंस बताई कि आप इस इक्वेशन के हवाले से क्या क्या चीजें अज्यूम करते हैं, उसके बाद हमने इसकी कंक्लूजन डिस्कस की. अब इस इक्वेशन का हमें फायदा क्या है? जब हमारे पास कोई स्पेसिफिक तरह का एंजाइम गिवन होता है तो एंजाइम की जो कंसेंट्रेशन वी मैक्स और के एम, ये दो चीजें ऐसी हैं जो कॉन्स्टेंट वैल्यूज होती हैं. ठीक है, सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन और इनिशियल रिएक्शन वेलोसिटी. आप सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन को चेंज कर करके इनिशियल रिएक्शन वेलोसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं, और इसके इसकी हेल्प से आप बहुत सारे, अभी अगर आप बात करें तो एंजाइम के हवाले से ऐसे बहुत सारे टेस्ट हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं जो डेवलप किए जा सकते हैं. जब हम एंजाइम की फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन के बारे में स्टडी करेंगे तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि एंजाइम का रेट ऑफ रिएक्शन है, व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट. एंजाइम का रेट ऑफ रिएक्शन बहुत सारे डायग्नोस्टिक प्रोसेस में यूज होता है,
एंजाइम के थ्रू आप बहुत सारी ड्रग्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं, और अभी जब डिटेल में हम इसको डिस्कस करेंगे तो आपको सही से समझ में आएगा. अभी एट दिस पॉइंट यू ओनली हैव टू रिमेम्बर कि ये आपके पास एक ऐसी इक्वेशन है जो एंजाइमेटिक रिएक्शंस को बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन करती है और उसके तमाम पैरामीटर्स को आपको डिस्क्राइब करती है. आई होप ये आपको क्लियर है. अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है इस हवाले से तो प्लीज नाउ यू कैन आस्क. Class, any questions? Any questions? सॉरी मुझे आवाज नहीं आ रही. Hello, class, can you hear me? Any questions? मुझे बिल्कुल भी आप लोगों की आवाज नहीं आ रही है. ओके सो यहाँ पे हम इसको कंक्लूड करते हैं और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में आपका यूट्यूब पे अपलोड करूँगी. और अगर आपको कोई क्वेश्चंस पूछने होंगे तो हम दोबारा से एक सेशन रख सकते हैं. थैंक यू क्लास.